हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड यू विल बी इन बेस्ट ऑफ योर मूड। आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल है लेकिन बिट ऑफ ट्रैक है, क्योंकि जनरली हम लोग फोर व्हील्स को डिस्कस कर रहे होते हैं चैनल पे, लेकिन आज इट्स अबाउट टू व्हील्स। मेरे बड़े बेस्ट बाइकर फ्रेंड है हारिस साहब, उनके साथ हार्ले डेविडसन के एक्सपीरियंस के लिए अर्ली मॉर्निंग राइड की थी। तो राइड करने के बाद मैंने सोचा कि लेट्स पार्क द बाइक, मज़ेदार चीज़ है, इसको डिस्कस करते हैं। द एक्सपीरियंस इज इनकम्प्लीट विदाउट शेयरिंग विद यू गाइस। मीट हारिस भाई, जो हमें ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद भी ख़राब हैं लेकिन इन ए पॉजिटिव वे। माशाल्लाह बड़े रिनाउंड बाइकर हैं हारिस भाई। जो आपने मुझे राइट साइड कराई है, पहले आपने शेडो पे कराई थी उस दिन, आज इस पे कराई है, टेल अस एवरीथिंग अबाउट हर, जरा इसका मोहतरमा का तारुफ कराएं। यार, दिस इज़ माई हार्ले डेविडसन ब्रेकआउट 2015। अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इट्स बीन पावर्ड बाय 1700 cc वी ट्विन वी कैम। और अगर हार्ले की वोकैबुलरी में बात करें तो दिस इज़ 103 क्यूबिक इंच हार्ले ब्रेकआउट FX SD इंजन। अच्छा, इसकी क्या साइंस है? यू टोल्ड मी अर्लियर एज वेल, और क्योंकि मैं अभी एक नया वो पोटेंशियल बाइकर हूँ, पोटेंशियल बाइकर प्रोफेशनल बाइकर से पूछ रहे कि ये हार्ले चीज़ों को जरा क्यूबिक शूबिक इस तरह करके क्यों लिखता है, मतलब बाकी ब्रांड्स में ये साइन नहीं है इसका। बेसिकली जो जितने अमेरिकन ब्रांड्स थे, ओल्ड स्कूल अमेरिकन ब्रांड, जिसमें हमारे पास फोर्ड आ जाती है, हमारे पास शेवरलेट वाले जितने आ जाते हैं पहले, लाइक सेंचुरी बैक, दे यूज टू कंसिडर देयर इंजन इन क्यूबिक इंचज। ओके। और अब जब जापनीज और दूसरी मार्केट्स आई तो दे स्टार्टेड काउंटिंग इट, जब मैट्रिक सिस्टम आया काउंटिंग का, तो उसमें इन्होंने फिर सीसी में कन्वर्ट कर लिया। हार्ले अभी तक अपना हेरिटेज ले के चल रहा है। आप हार्ले की कोई भी बाइक उठा लें, आपको उसमें इवन कि इसके इंजन के ऊपर भी मेंशन है, इंजन के ऊपर भी मेंशन होगा आपको। रीज़न यही है कि हार्ले ने अपना ना वो जो ओल्ड स्कूल हेरिटेज चीज़ को छोड़ी नहीं। रीज़न इज कि जो इसको चलाने वाले हैं एंथुजियास्ट जितने लोग हैं, वो पहले कंसिडर ही होता था कि वो बाबे पुराने सारे चला रहे होते थे, बट वो कॉन्सेप्ट टोटली इन्होंने चेंज कर दिया। और सबसे अच्छी बात हार्ले की है कि आज से जो 30 साल 40 साल पहले जो इंजन थे, दे आर स्टिल कमिंग विद द सेम टेक्नोलॉजी विद इम्प्रूव्ड फ्यू लिटिल बिट्स, जिसमें फ्यूल इंजेक्शन किए वो छोटा मज़ा चेंजेस आती हैं। तो वो जो मज़ा अभी तक है इसका वाइब्रेशन, और वो जब आप बैठते हैं यू स्टार्टेड एंड यू आर जस्ट गेटिंग दैट वाइब्रेशन व्हील, तो वो हार्ले की एक वो किसी और बाइक में नहीं है। जब हम बाइक्स को डिस्कस करते हैं, आई थिंक मेनली मेजर तीन कैटेगरीज हैं, एक स्पोर्ट्स हो गई, एक टूरिंग होगी या ड्यूल स्पोर्ट होगी, और एक ये चॉपर्स हो गया। बिल्कुल। अच्छा, हार्ले का तो सिर्फ ब्रांड चॉपर्स के लिए फेमस है। बिल्कुल। एंड यू आर मोस्टली इनटू दिस स्पोर्ट, तो इस कैटेगरी के बारे में ज़रा डिस्कस करते हैं। आई थिंक दैट इज़ प्रॉबली वन ऑफ द सेफेस्ट बाइकिंग ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल। स्पोर्ट जो है वो पाकिस्तान में खैर फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन लोग उसका रोड पे थोड़ा सा मिसयूज़ कर लेते हैं, अब्यूज़ कर लेते हैं। सर, मेरे जैसा बाइकर जो नया नया बाइकर पे बनने आ रहा है, उसके लिए ड्यूल स्पोर्ट और क्रूजर्स बड़ा सेफ ऑप्शन है। यार, मैं अपनी ऑडियंस, हमारी जो ऑडियंस है, उसके लिए मैं थोड़ा सा ये करना चाहूँगा। पाकिस्तान डेफिनेटली जो अब जो हालात हैं, डेफिनेटली लाहौर में स्पेशली इतनी ट्रैफिक है, आपको कुछ पता नहीं चलता कोई बाइक वाला कहाँ से निकल आता है, एंड यू आर लाइक 100+, और उस वक्त यू कांट डू एनीथिंग। जहाँ तक मेरी बात है बाइकिंग की, तो बाइकिंग मुझे बचपन से बहुत शौक था। आई स्टार्टेड माय बाइकिंग फ्रॉम स्पोर्ट्स। सबसे पहले आई गॉट माय स्पोर्ट्स इन 2013 में आई गॉट माय GS 500 सुजुकी। ये मेरे ख्याल से कॉलेज के फौरन बाद जो पहला बाइक था वो ये था। कॉलेज के बाद आई वेंट फॉर ट्रेनिंग, पास आउट होके देन मेरी एक विश थी, माय फादर सेड के अगर तू कुछ जिंदगी में बन गया तो आई विल गेट यू दी बाइक। तो सब हम लोग ने भी बैंड में फादर, तो जब जिंदगी में बन गए उसके बाद हम फॉरेन बाइकर बने। फॉरेन, अब भाई मैं कुछ बन गया हूँ, अब बाइक लेना। सो दैट वाज, आई स्टिल रिमेम्बर, दैट वाज GS 500 सुजुकी। अच्छा, बहुत मज़ेदार बाइक था। और उसके बाद देन बीच में थोड़ा ब्रेक लिया, देन आई शिफ्टेड टू जिक्सर 600। उसमें मेरी बहुत मेमोरीज हैं, देयर इज नो मैच टू जिक्सर उसमें सुजुकी में, जो स्पोर्ट्स में अगर हम आते हैं। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ 15, 16, 17 वाले टाइम की। फिर ऑफ एंड ऑन उसके बाद आई स्टार्टेड शिफ्टिंग, मैंने चॉपर्स की तरफ आ गया। थोड़ी अपनी मेरी कुछ पर्सनल वो थी जिसमें मैंने स्पोर्ट्स को स्विच कर लिया उस, और उसके बाद फिर मैंने एक टाइम आया, मैंने टोटली बाइकिंग क्विट कर दी। एक फेज आया कि मैं बड़ा ना आई वेंट इनटू डिप्रेशन, कोई वो सारा कुछ ना, मैंने कहा यार क्या किया जाए। तो फिर मैंने कहा अच्छा, मैं अब अपने हार्ले वाला या चॉपर वाला, लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट साइड। यार, ये वाली बात ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर जब हम SUVs को डिस्कस कर रहे होते हैं, जैसे अब हारिस भाई जो अपने अंदर से बोल रहे हैं ना, बाइकर सोल कमिंग आउट, मैं SUVs के बारे में इस जज्बे से बात करता हूँ, तो मैं कहता हूँ ये चीज़ें आपकी सेहत के लिए अच्छी हैं, क्योंकि नथिंग इज़ मोर प्रिशियस देन हैप्पीनेस। अगर आप अंदर से खुश हैं ना, देन यू कैन मतलब डू अ लॉट। मेंटल हेल्थ, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं।
ये चीज़ें क्या है कि आप जब इनको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं, किसी के लिए बाइक इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए स्पोर्ट्स कार है, किसी के लिए एसयूवी है, जब आप उसको अडॉप्ट करके थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफ स्टाइल में साथ रखते हैं ना, तो आप खुश रहते हैं, बिल्कुल आप जिंदा रहते हैं। तो एटलीस्ट आपका जो भी शौक है ना, डोंट वेट फॉर इट। हर कैटेगरी के अंदर आई थिंक गाड़ी हो बाइक हो या एंट्री लेवल करने के लिए ना छोटे से छोटा ऑप्शन भी है, बिकॉज इफ़ यू आर अ बाइकर और अ कार राइडर, आप अंदर से हैं ना, तो आप वो चीज़ लेंगे जो आपको खुश करती है। आप उस चीज़ के पीछे नहीं जाएंगे कि आई एम गेटिंग दिस बाइक ओनली कि यार लोग मुझे अप्रिशिएट करें। अब मैं आई थिंक आपके साथ भी ऐसे होता होगा, आपको ये मैटर नहीं करता कि कोई मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा। बिल्कुल मैं क्रूजर लेके निकलता हूँ रात को अंधेरी गलियों में चला के, उसे खुश हो रहा था, मेरे लिए कहीं जाना उस पर इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए उसके मशीन के साथ अपना रिलेशनशिप। इवन आई से जब ट्रिप पे होते हैं ना, मैं रात को सोता ही ये सोच रही हूँ कि किसी तरह रात जल्दी से गुजरे और मैं सुबह क्रूजर को सल्फ मारूं। यार बाइकिंग अगर मैं अपने लिए बात करूँ एज एन इंडिविजुअल या मेरे जो राइड लाइफ मेरे बाइकिंग सर्कल के हैं, द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज के आप बहुत सी ऐसी चीज़ों से जो है ना वो यू आर अवे फ्रॉम दोज, जो एक नहीं होता अजीब किस्म की हमारी साइकी है यार, वो बंदा क्या कर रहा है, ये कि आज मैं ये करूंगा, वो क्या करूंगा, अब हम डिस्ट्रैक्शन से हटते हैं एंड यू आर डूइंग समथिंग पॉजिटिव, प्योर हलाल में से प्योर एग्जैक्टली कोई ऐसी चीज कर रहे हो यार कि चलो आप अगर हाफ एन आवर भी राइड लेके आए हो ना तो आप एक घर आके यू आर रिलैक्स यार। अच्छा चलो, एंड दूसरा ये है कि इट्स अ सोर्स ऑफ मीटअप्स, हम दोस्त, एक पूरी कम्युनिटी है इसकी, कम्युनिटी है हमारे ग्रुप्स बने हैं व्हाट्सएप में, रोज कोई ना कोई चीज लेट्स मीट अप राइट टाइम। अच्छा मैं इवन यहाँ तक बात करता हूँ कि आपको अगर चलाने का मौका नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता ना, आपके गैरेज में ये टॉय पड़ा ना, जो भी आपके नशे का शौक है, डेट पोजिशन इज द बेस्ट फीलिंग। बिल्कुल ऐसी है यार, मैं कई बार मेरे साथ होता है, कई ऑफिशियल कमिटमेंट्स होती हैं, फैमिली कमिटमेंट्स होती हैं, बस बाइक खड़ा हुआ है, एक दिन दो दिन गुजर के अच्छा यार गंदा हो गया, साफ सूफ किया उधर वापस घर के अंदर, मतलब कई बार ऐसे हो गाड़ी से निकले उधर ही आई स्टार्टेड लाइक क्लीनिंग माय बाइक एंड फिर अंदर जाता हूँ, घर वाले कहे किधर है, कहते हैं यार बाइक साफ कर रहे हैं, बाइक साफ कर रहे हैं। तो वो सारी एफिलिएशन जो होती है ना मशीन के साथ, उसको देखना, उसकी ज्यारत करना, उसको फील करना, सिर्फ चलाना मकसद नहीं है, तो देयर सो मच इनटू इट। अच्छा बुढ़ी ये बताएं, जैपनीज ब्रांड्स वर्सेस दिस अमेरिकन ब्रांड, अब पाकिस्तान में इसका ऑनरशिप का एक्सपीरियंस कैसा है, बिकॉज गाड़ियों में तो हम समझते हैं यार जैपनीज इज लाइक सुकून है जिंदगी का, यू ऑल्सो ऑन आपके पास होंडा भी है, होंडा भी है, और वर्सेस होंडा जैपनीज बाइक जो दूसरे क्रूजर्स हैं या सुजुकी के हैं, अमेरिकन का क्या सीन है पाकिस्तान में? जहाँ पे JDM बाइक्स की बात कर लें और इन अमेरिकन हार्लेस की बात कर लें, तो मेरा ख्याल है कि दोनों का कंपेरिजन मेरे हर बंदे की अपनी हो सकती है, बट आई थिंक बनता नहीं है, बनता इसके वो टोटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी में बने हुए हैं, ये टोटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी दो के मतलब है कि बॉडी स्टाइल और कैटेगरी और बाइकिंग साथ बिल्कुल ठीक है, बट जो इंजन जो है ना और उसकी फील और उसकी ड्राइव दैट इज टोटली डिफरेंट। जहाँ तक बात है JDM की और हार्लेस की, हार्लेस मेंटेन करना काफ़ी हद तक पाकिस्तान में इट्स डिफिकल्ट, और डिफ़िकल्ट इसलिए भी है क्योंकि पार्ट्स यहाँ अवेलेबल उस तरह नहीं है, दो तीन चार अच्छे शोरूम्स आ गए हैं हार्ले कराची में हैं, इस्लामाबाद में हैं, लाहौर में हैं, बट अल्टीमेटली जब तक वो उनकी मोनोपोली नहीं टूटेगी तब तक पीपल विल नॉट बी अफोर्डिंग हार्लेज एज डेली ड्रिवन जिस तरह हम बाकी JDM यूज़ कर बाइक्स को कर रहे हैं। अच्छा इसमें कोई वेदर एलिमेंट है, जैसे कुछ बाइक्स में होता है वो अच्छे वेदर में, अच्छा मतलब है कि यूरोपियन वेदर में या नॉर्थ अमेरिकन वेदर में ज़्यादा सूटेबल रहती हैं? हाँ अब हार्लेज में थोड़ा सा इशू है, रीज़न इसके क्योंकि आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये ओल्ड स्कूल इंजन में बना हुआ है, दिस इज एयर कूल्ड, जबकि जो JDMs है वो वाटर कूल्ड में आ जाते हैं, लिक्विड कूल्ड में आ जाते हैं। व्हाट्स द मैक्सिमम ट्रिप आपने इसको ज़्यादा वन गो में कंटिन्यूअसली कितना ड्राइव किया होगा? यार हार्ले मैंने ज़्यादा ना लॉन्ग रूट्स पे नहीं लेके गया, ठीक है, और हार्ले हमारा पाकिस्तानी सारी हार्ले कम्युनिटी का एक ये है कि जब भी लॉन्ग रूट्स पे ये लेके जाते हैं तो हम मेजोरिटी ये करते हैं कि वी गेट देम लोडेड, ठीक है रिकवरी में डालते हैं, हाँ। जितनी मैक्सिमम हार्ले जो है ना वो पांच एक हार्ले एक रिकवरी पे आ जाती है, तो हम रिकवरी में डालते हैं, हमने अगर नथिया गली साइड का टूर करना है, आफ्ताबाद साइड का टूर करना है, तो हम इनको इस्लामाबाद बेस कैंप पे जाके उतारते हैं और वहाँ से दोबारा शिफ्टिंग करते हैं, तो मैक्सिमम दैट वुड बी लाइक अराउंड 3-4 आवर्स की राइड है। और अगर हम लोग ऊपर वाली साइड पे जाएं अस्तोर वाली साइड पे और गिलगित और साथ बाकी चीजें जो है ना वो चल रही होती है, तो उस तरह प्रैक्टिकल नहीं है हार्ले लॉन्ग रूट्स के लिए कि आप बिल्कुल लाहौर से ही चलें GT रोड में डालें और ऊपर पहुंच जाएं।
कंफर्ट लेवल के ऊपर आते हैं, 6 घंटे या 4 घंटे की ड्राइव की है हार्ले पे, ठीक है, इसी लेवल का बाइक जापानीज ब्रांड में अगर आप ले रहे हैं, उतने घंटे की राइड की है, कोई फ़र्क है? फ़र्क है, मैं अगर लॉन्ग रूट्स की बात करें तो आई प्रेफर जापानीज क्रूजर्स ओवर हार्ले। और कॉस्ट ऑफ ओनरशिप लाइक मेंटेनेंस वगैरह? मेंटेनेंस में डबल दी कॉस्ट है जापानीज ब्रांड्स, जापानीज का अगर जापानीज मेरी ऑयल शॉयल फिल्टर फुल्टर चेंज करा के मुझे जो है ना वो 20,000 PKR पे पड़ रहा है, तो एट दी वेरी सेम टाइम जो हार्ले है वो हमें 40-45 पे जाके मेंटेन हो रहा है हमारा, वही 5,000-6,000 के ऊपर जो ऑयल चेंज हो रहा है। बट अगेन अंडरस्टैंडिंग योर डिस्कशन इज के लाइक जो हार्ले है वो हार्ले है, और जो आपको हार्ले में मिल रहा है वो हार्ले में ही मिल रहा है, हार्ले की फील कोई और बाइक नहीं दे सकता। अगर दे सकता होता हार्ले अब तक ऑब्सोलीट हो चुका होता। हाँ, और हार्ले ग्रुप में एक और जो मज़े की बात है, ये बेसिक से स्टार्ट करते हैं ज़्यादातर लोग। अच्छा। तो हार्ले ने हर कैटेगरी को टारगेट किया। व्हाट्स द वो एंट्री लेवल हार्ले? एंट्री लेवल इज द एक्सेल, एक्सेल 800 आता है इसमें, एक्सेल 1200 आता है, सो दैट्स द एंट्री लेवल, वो आपको हार्ले फील देता है, बट वो बहुत ही बेसिक इंजन है उसके, वही ओल्ड स्कूल इंजन जो वर्ल्ड वॉर के लिए इन्होंने जब हार्लेस बनाए थे तो उन्हीं के ऊपर वो डिज़ाइन हुए हैं और अभी तरह उसी तरह चल रहे हैं। फिर उसके बाद फर्दर जो है ना वो इनके अंदर एड ऑन होते रहते हैं, यू नो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता रहता है, तो हार्ले वाले का वही है कि जब हार्ले यानी कि मॉडल लाइनअप अब रिसेंटली बहुत ज्यादा वैरायटी आ गई है और हर एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, हर एज ग्रुप के लिए आ गई है। पहले ये था कि इट वाज स्पेसिफिक टू वही ओल्ड स्कूल वाइब्रेशन चल रही है, बस वो बाबे बैठे हुए वो वाला सीन था, अब काफी ना वर्सटिलिटी आ गई है हर एज के लिए और कम्फर्ट लेवल डाला है उन्होंने, कई लॉन्ग रूट जो है वो उन्होंने डाले हैं, उन्होंने ग्लाइडर्स हैं उसके अंदर काफ़ी कुछ हैं, तो वो काफ़ी ऐड ऑन उन्होंने किए हुए। अच्छा, ये वाली जो पर्टिकुलर बाइक है इसमें क्या चीज़ स्टॉक है और क्या चीज़ कस्टमाइज हुई हुई है? अगर सॉफ्ट इसकी ब्रेकआउट की बात करें तो ब्रेकआउट को कस्टमाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, इतना वेल डिज़ाइंड है, इतना ह्यूज आप इसका साइज़ दे सकते हैं, स्पेशली जो मैं जिधर इसके ऊपर मेरा जो दिल आता है ना, दैट्स द रेयर टायर, ह्यूज रेयर टायर विद 18 रिम। अगर इंजन की बात करें, इतना बड़ा टायर लोग मुझे लगता था कि पता नहीं क्या, लेकिन जब इंजन में आते हैं इतना ह्यूज इंजन विच इज़ प्रोड्यूसिंग सच अ बिग हॉर्स पावर। हॉर्स पावर कितना? हॉर्स पावर इसका जो है वो 80 हॉर्स पावर है, सो इट्स प्रोड्यूसिंग अराउंड 75-80 हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम टॉर्क की बात करें तो दैट इज़ 125 न्यूटन मीटर टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है, सो मेरा ख्याल है कि ह्यूज टॉर्क एज अ क्रूजर बाइक एज अ बहुत ज़्यादा। फर्दर मोर एड ऑन्स बहुत आते हैं, बहुत एड ऑन्स है, हर बंदा जो है ना अपने मुताबिक हार्ले को कस्टम करवा सकता है, उसमें बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और हर किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी। अगर इस स्पेसिफिक मैं ब्रेकआउट की बात करूँ तो इसमें आप इसमें जो अपना इसका स्टॉक हैंडल आता है वो बिल्कुल स्ट्रेट हैंडल है, यू राइड इट लाइक दैट। ये आफ्टर मार्केट है, मुझे एप हैंगर जरा वो वाला फील ज़्यादा पसंद है। अच्छा। तो इसके ऊपर फिर ये कस्टम था। उसके बाद फ्रंट जो इसकी अपनी स्टॉक आती है वो छोटी राउंड सी जो है। अच्छा, वो सिंगल लाइट, सिंगल लाइट है छोटी सी, और ये डबल है, ये डबल है। अच्छा, व्हाट वुड बी द मार्केट प्राइस इस बाइक की या इस तरह की बाइक की सच कंडीशन? जो ब्रेकआउट है जो मतलब 13-14-15-16 मॉडल ब्रेकआउट है वो दैट लाइज इन बिटवीन 40-4 million to 6 million के बीच में। सो अगर 2015 ब्रेकआउट की बात करें इस पर्टिकुलर बाइक की तो ये एवरेज प्राइस 5 million की 5 million। अच्छा, मैंने तो पता नहीं बाइकिंग कब शुरू करनी है नहीं करनी, लेकिन मैं ऑफ एंड ऑन अगर मतलब आपको भी एक्सपीरियंस अच्छा लगता है तो आपके साथ बाइकिंग के बारे में चीज़ें वगैरह शेयर करता रहूँगा, हर इस भी तकलीफ देते रहेंगे बिल्कुल। लेकिन मुझे ये बताएं कि मौसम बड़ा ख़राब हो रहा है, तो जब इस तरह का मौसम आया था तब आप लोगों का गुजारा कैसे होता है, क्या करते हैं आप इस मौसम में? इस मौसम में हम फिर ये करते हैं कि हमने एक स्पेसिफिक टाइम रखा होता है रात का, ठीक है, दैट इज़ बिटवीन 8 to 9 मिलना हमने डेली होता है सब, ठीक है ना, जो अवेलेबिलिटी है उसके मुताबिक, बट वो है कि वो एक 8 से 9 टाइम हम थोड़ा रखते थे बिकॉज बड़ी बिग इंजन ह्यूज हीट मतलब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहे होते तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइड, बट वही बात है कि हम उसको थोड़ा टाइम स्क्वीज कर रहे थे, ठीक है, लेकिन फिर भी करना है करना है इस मौसम में भी। और ट्रिप्स भी आ जाएंगे मेरे ख्याल से नॉर्थ के ट्रिप चल रहे हैं अभी भी, पीपल आर देयर इन दी नॉर्थ डूइंग दी ट्रिप्स। चलो गुड, बेस्ट ऑफ लक। तो डैट इज़ इट गाइस, थैंक यू सो मच। अपना फीडबैक बताइएगा, आपको बाइकिंग में कितना सा इंटरेस्ट है एंड विच आर योर फेवरेट ब्रांड्स, तो बताएं। बाइक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करने वाली, इंशाल्लाह डिस्कशन ज़रूर करेंगे, बाकी हमारा बाइकिंग का फ्यूचर जो है ना डैट रिमेंस टू बी सीन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।